यूपी बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी संस्कृत खंड संस्कृत दिग्दर्शिका का तीसरा पाठ, सदाचारोपदेश, अर्थात सदाचार का उपदेश। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर को आप एंड तक जरूर देखें। सम गच्छध्वम् सम वदध्वम् स वो मनांसि जानताम् देवां भागम् यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते। सम अर्थात साथ, गच्छ अर्थात चलना जाना, और गच्छध्वम् अर्थात चलो, आज्ञावाचक में है तो साथ चलो या मिलकर चलो। सम वदध्वम् समर्थात मिलकर, वदध्वम् अर्थात बोलो, वद अर्थात बोलना, और वदध्वम् अर्थात आज्ञावाचक में मिलकर बोलो। स वो मनांसि जानताम्, वो मनांसि अर्थात अपने मनों को, और सम जानताम् अर्थात मिलकर जानो, जानताम् अर्थात जानना। देवाम् भागम् यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते। देवाम अर्थात देवगण, भागम अर्थात अंश, यथा अर्थात जिस प्रकार या जैसे, पूर्वे अर्थात प्राचीन काल में, संजनानाम अर्थात एक मत में रहने वाले, और उपासते अर्थात करते थे। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को, तभी आप इस श्लोक को अच्छे से समझेंगे। तो सम गच्छध्वम् अर्थात मिलकर चलो, मिलकर चलने का मतलब यह है कि मिलकर कार्य करो। सम वदध्वम् मिलकर बोलो अर्थात काम करने से पहले साथ में या परस्पर परामर्श कर लो, आपस में परामर्श कर लो। स वो मनांसि जानताम् तुम सब लोग अपने मनों को मिलकर जानो, अर्थात आपस में विचारों की एकता स्थापित करो, अर्थात एक मत हो, अपने विचारों पर एक मत होना। देवाम भागम यथा पूर्वे संचनानाम उपासते, यथा अर्थात जिस प्रकार, पूर्वे अर्थात प्राचीन काल में, देवाम अर्थात देवगण आपस में मिलकर, संजनानाम अर्थात आपस में मिल जुल कर, भागम अर्थात अपने अपने कर्तव्य के कर्म के अंश को करते थे, उपासते अर्थात करते थे, वैसे ही मिलजुल कर तुम भी, तुम लोग भी वैसा ही करो। तो आप समझे, मिलकर कार्य करो और काम करने से पहले आपस में परामर्श करो, और तुम सब लोग अपने मनों को मिलकर जानो, अर्थात आपस में अपने विचारों की एकता स्थापित करो। जिस प्रकार प्राचीन काल में देवतागण अपने अपने कर्तव्य कर्म के अंश, भागम अर्थात अंश को आपस में परामर्श पूर्वक करते थे, वैसे ही मिलजुल कर तुम लोग भी आपस में परामर्श पूर्वक अपने कार्यों को करो। ठीक है, होप आपको पहला श्लोक अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा श्लोक देखते हैं। कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविषच्छतम् समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मलिप्यते नरे। कुर्वन् नैवेह, इसका संधि विच्छेद देखिए, कुर्वन् प्लस एव प्लस इह, कुर्वन अर्थात कर्म करते हुए, और एव अर्थात ही, और इह अर्थात इस संसार में, कर्माणि अर्थात कर्मों को, जीजीवेशत शतम्, जीजीवेशत प्लस शतम्, जीजीवेशत का अर्थ होता है 100 वर्ष तक, और जीने की इच्छा करें। शतम का अर्थ क्या होता है? 100 वर्ष तक, और जीजीवेशत अर्थात जीने की इच्छा करें। समाहा अर्थात वर्ष, एवं अर्थात इस प्रकार, त्वयि का अर्थ होता है त्याग पूर्वक, नान्यथेतो यस्ति न प्लस अन्यत अन्यथा प्लस इतः प्लस अस्ति, न अर्थात नहीं और अन्यथा अर्थात इससे भिन्न, इतः अर्थात इससे और अन्यथा अर्थात अन्यथा, तो इससे अन्यथा नहीं है, अस्ति अर्थात है, न अर्थात नहीं, कर्म लिप्यते अर्थात कर्मों में लिप्त या कर्मों में लगा हुआ।
और नरे अर्थात मनुष्य। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो मनुष्य को यह अर्थात इस संसार में त्वयि अर्थात त्याग पूर्वक, कर्माणि अर्थात कर्म को और कुर्वन अर्थात करते हुए, एव अर्थात ही, तो कर्मों को करते हुए ही शतम समाह अर्थात 100 वर्षों तक जीजीवेशत अर्थात जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं अर्थात इस प्रकार त्वयि अर्थात त्याग पूर्वक कर्माणि अर्थात कर्म करने से नरे अर्थात मनुष्य कर्म लिप्यते न अर्थात कर्मों में लिप्त नहीं होता है, और न अन्यथा इतः अस्ति अर्थात इसे, इतः अर्थात इसे छोड़ के, इसके अलावा, अन्यथा अर्थात अलावा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, न अस्ति अर्थात नहीं है। तो देखा आपने दूसरे श्लोक की व्याख्या। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि मनुष्य को, यहाँ पर नरे है, नरे अर्थात मनुष्य, तो मनुष्य की बात हो रही है। तो मनुष्य को यह अर्थात इस संसार में शास्त्र के अनुसार, शास्त्र की रीति के अनुसार त्वयि अर्थात त्याग पूर्वक कर्माणि अर्थात कर्मों को कुर्वन अर्थात करते हुए और एव अर्थात ही, कर्म करते हुए ही शतम समाह अर्थात 100 वर्षों तक जीजीवेशत अर्थात जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्वयि कर्माणि अर्थात त्याग पूर्वक कर्म करने से नरे अर्थात मनुष्य कर्मः न लिप्यते अर्थात कर्मों में लिप्त नहीं होता है, और न अन्यथा इतः अस्ति अर्थात इसे छोड़ के या इसके अलावा और अन्य कोई, अन्य अर्थात अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, होप आपको दूसरा श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं तीसरे श्लोक को। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधु सदृशः। मधुमत अर्थात माधुरी युक्त, जिसकी वाणी में मधुरता हो वो होता है माधुर्य, और मैं अर्थात मेरा, निष्क्रमणम अर्थात निष्क्रमण करना या निकलना या जाना, और मधुमत अर्थात माधुर्य युक्त, और परायणम अर्थात दूर हटना, वाचा अर्थात वाणी से, वदामी अर्थात बोलूं, मधुमत अर्थात मीठी वाणी, मीठी बोली, भूयासम अर्थात हो जाऊं मधु सदृशः अर्थात मधु के जैसा दिखने वाला या मधु को ही देखने वाला। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को, तभी आप इसे समझ पाएंगे। तो मैं निष्क्रमणम अर्थात मेरा जाना अर्थात किसी के निकट जाना, मेरा किसी व्यक्ति के निकट जाना या मित्रता स्थापित करना, मधुमत अर्थात माधुर्य युक्त हो अर्थात किसी के साथ मित्रता आदि का परिणाम मधुर हो, मे परायणम मधुमत अर्थात मेरा परायणम अर्थात दूर हटना या संबंध तोड़ना भी मधुमत अर्थात माधुर्य युक्त हो, अर्थात जब मैं किसी से मित्रता करूं तब भी मेरा मित्रता या मित्र करना वो माधुर्य युक्त हो, और अगर मैं किसी से अपनी मित्रता या संबंध, मित्रता का संबंध तोड़ता हूँ तो भी मेरा मित्रता या संबंध तोड़ना भी मधुमत हो अर्थात माधुरी युक्त हो। वाचा वदामी, वाचा अर्थात वचन बोली, और मधुमत अर्थात मैं मीठी वाणी बोलूं, और भूयासम मधु सदृश अर्थात मधु रूप, मधु के समान हो जाऊं अर्थात मेरे संबंध हर जगह है, हर स्थान पर मधुर ही हो। होप आपको तीसरा श्लोक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। आचारा लभते ह्या आयुराचारा लभते त्रियम, आचारात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। देखिए आचारा लभते, इसका संधि विच्छेद देखिए, आचारात ल कन्वर्ट हो जाता है त में, तो आचारात प्लस लभते, आचारात अर्थात सदाचार से, अच्छे आचरण से, लभते अर्थात प्राप्त करता है, ही अर्थात क्योंकि, इसका संधि विच्छेद देखिए ही प्लस आयु
प्लस आचारात प्लस लभते, ही अर्थात क्योंकि और आयु हूँ, अर्थात आयु को आचारात अर्थात अच्छे आचरण से सदाचार से लभते अर्थात प्राप्त करता है त्रियम, त्रियम नहीं श्रियम है यहाँ पर, श्रियम अर्थात धन को, श्रियम का अर्थ होता है श्री अर्थात लक्ष्मी धन, तो श्रियम अर्थात धन को, श्रियम अर्थात धन को, श्री का अर्थ क्या होता है लक्ष्मी, और आचारात अर्थात आचरण से अच्छे आचरण से सदाचार से, कीर्तिम आपनोति, कीर्तिम अर्थात यश को, और आपनोति अर्थात प्राप्त करता है पुरुष अर्थात मनुष्य, प्रेत्य अर्थात मरकर परलोक में, च अर्थात और इह अर्थात इस संसार में, च अर्थात और। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को, तो आचारात अर्थात सच्चे आचरण से या अच्छे व्यवहार से या सदाचार से पुरुष अर्थात मनुष्य ही अर्थात निश्चय ही या क्योंकि, तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं क्योंकि अच्छे आचरण से मनुष्य आयु अर्थात लंबी आयु को प्राप्त करता है, और आचारात और सदाचार से ही श्रियम अर्थात लक्ष्मी या धन प्राप्त करता है, लभते अर्थात प्राप्त करता है क्या, श्रियम अर्थात लक्ष्मी या धन को, और आचारात कीर्तिम आपनोति अर्थात सदाचार से कीर्ति अर्थात यश को प्राप्त करता है, कहाँ पर, प्रेत्य च इह च, अर्थात प्रेत्य अर्थात परलोक में और यह अर्थात इस लोक में अर्थात इस संसार में कीर्ति अर्थात यश प्राप्त करता है। एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छे आचरण से सदाचार से पुरुष अर्थात मनुष्य आयु अर्थात लंबी आयु प्राप्त करता है, और आचारात अर्थात सदाचार से श्रियम अर्थात लक्ष्मी या धन प्राप्त करता है, लभते अर्थात प्राप्त करता है, और आचारात अर्थात सदाचार से इह अर्थात इस लोक में, च अर्थात और, प्रत्य अर्थात परलोक में कीर्ति मापनोति अर्थात कीर्ति या यश प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस पार्ट में मैं श्लोक संख्या 4 तक ही व्याख्या करूंगा। सो होप आपको ये 4 श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।